हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेंडिंग फैशन। अगर आप भी इस तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोटली बैग बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो कपड़े के पीस ले रहे हैं जिसकी लंबाई है 10 इंच और इसकी चौड़ाई है 8 इंच। और इसके अलावा हमें एक लाइनिंग का कपड़ा चाहिए, इसकी चौड़ाई है 8 इंच और इसकी लंबाई है 19 इंच। इसके अलावा हमें इस तरह की दो डोरियां चाहिए। इस डोरी को बनाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी लंबाई है 24 इंच। तो सबसे पहले हम जो मेन पीस है उसके फ्रंट साइड को एक साथ करेंगे। इस तरह से फ्रंट साइड को एक साथ करके साइड पर नीचे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई लगने के बाद हम कपड़े को खोल लेते हैं। इस तरह से इसकी फ्रंट साइड ऊपर है, इसके ऊपर हम लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे, दोनों की फ्रंट साइड को मैच करेंगे। इस तरह से कपड़े को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिलाई लगा लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोनों साइड सिलाई लग चुकी है। अब हम कपड़े को इस तरह से रख लेंगे। लाइनिंग का कपड़ा एक तरफ हो चुका है और जो मेन पीस है वो एक तरफ हो चुका है। जहां पर सिलाई लगाई थी वहां पर हम कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। आप चाहें तो यहां पर आयरन भी कर सकते हैं। तो देखिए जो मेन पीस है वहां पर हम सिलाई से आधा इंच नीचे निशान लगाएंगे और उस निशान से नीचे पौने एक इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए ऊपर सिलाई से है 0.5 इंच और उस निशान से नीचे 0.7 इंच का निशान लगाएंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। जो लाइनिंग का कपड़ा है उस तरफ हम तकरीबन 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए जितनी भी रेड लाइंस हैं वहां पर हमें सिलाई लगानी है और दूसरा एरिया हमें खुला छोड़ना है। जितने भी हमने मार्क्स लगाए हैं वो हमें खुले छोड़ने हैं, वहां पर सिलाई नहीं लगानी है और जो रेड लाइंस हैं सिर्फ वहीं पर सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हम कॉर्नर को इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में रखेंगे। इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में रखने के बाद ऊपर से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ऊपर से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे देखिए ये 3 इंच पर निशान लग जाएगा। एक सभी कॉर्नर्स पर इसी तरह से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो देखिए जितने भी हमने निशान लगाए हैं वहां पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट हो चुका है। अब जो हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था लाइनिंग की तरफ, वहां से हम कपड़े को पलट लेते हैं।
जहां से हमने कपड़े को पलटा था वहां पर हम सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे। तो देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हम जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको पोटली बैग के अंदर कर देंगे। कॉर्नर्स को अच्छी तरह से निकाल कर कपड़े को सेट कर लेते हैं। तो देखिए लाइनिंग का कपड़ा बहुत ही अच्छे से अंदर चला गया है। अब ऊपर की तरफ हम कपड़े को सेट कर लेंगे, आप चाहें तो आयन भी कर सकते हैं। देखिए कपड़ा सेट करने के बाद अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल कॉर्नर से टॉप सिलाई लगाएंगे ताकि लाइनिंग बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हमने जो पहले 1.5 इंच और 1.25 इंच पर निशान लगाकर वो कपड़ा खुला छोड़ा था वहां पर हम निशान लगा रहे हैं। पहला निशान 1/2 इंच पर है तो हम ऊपर से 1/2 इंच नीचे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लग चुकी है। दूसरा निशान तकरीबन 1.25 इंच पर है, मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर नीचे निशान लगा रही हूँ, इससे हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी लगेगी। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेते हैं। ये दोनों सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज इसके अंदर हम डोरी इंसर्ट करेंगे और इस तरह से डोरी अपनी जगह पर रहेगी और इधर उधर नहीं खिसकेगी। तो देखिए दोनों सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम एक हेयर पिन की हेल्प से इसके अंदर डोरी को इंसर्ट कर देंगे। जिस साइड डोरी को इंसर्ट करेंगे दूसरा एंड भी उसी साइड निकालेंगे। देखिए पहली डोरी को इस साइड से डाला था और सेकंड डोरी को हम दूसरी साइड से डालेंगे और उसका एंड भी उसी तरफ ही निकालेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों डोरियां इंसर्ट हो चुकी हैं। अब डोरी के एंड को सिक्योर करने के लिए अब हम एक टैसल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2.25 इंच का कपड़ा लिया है। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम डोरी के किनारों को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और टैसल को इस तरह से पलट लेंगे। देखिए अब डोरी के कॉर्नर्स बिल्कुल सिक्योर हो चुके हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी टैसल लगा लेंगे। तो हमारा पोटली बैग बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।